कई बार मैं बोलता हूं कि टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन से कुछ नहीं होगा, लेकिन गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन ये कितना ज्यादा मैटर करता है किसी भी वीडियो को सर्च पे लाने में, सजेशन पे लाने में। कैसे आप किसी दूसरे के वीडियो के सजेशन में अपनी वीडियो ला सकते हैं, या फिर आप कैसे एक वायरल टैग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे आज पता है कि मैं पहले बोलता हूं, वो मैंने कब बोला था कि टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन से कुछ नहीं होगा, जब आप मेहनत करते हैं। अपने चैनल पे आप 500 प्लस वीडियो डाल चुके हैं, 100 वीडियो डाल चुके हैं और आपका चैनल ग्रो नहीं करता है। आपने अच्छे से काम किया फिर भी आपका चैनल ग्रो नहीं किया है। तो आज आखिर मैं इस कंडीशन में ये चीजें बता रहा हूं कि अगर आप अपने टॉपिक को, अपने वीडियो को सर्च में लाना चाहते हैं। आपको भी पता है कि YouTube पर अगर आप लाइफ टाइम अर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एवरग्रीन कंटेंट, जो बेसिक टॉपिक होते हैं, टॉपिक को सर्चेबल बनाना पड़ता है, जो ऑडियंस सर्च करती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो टैग्स, बेस्ट वायरल टैग, जो ट्रेंडिंग टैग होते हैं, आखिर वो आप कैसे ले सकते हैं किसी भी टॉपिक के लिए। आपका कोई भी चैनल हो, चाहे ब्लॉगिंग का हो, चाहे कुकिंग का हो, चाहे गेमिंग का हो, चाहे टेक का हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे मोटिवेशनल हो, कोई भी चैनल हो, अगर आप वायरल टैग फाइंड आउट करना चाहते हैं अपने फोन से, कैसे आप खोजेंगे, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। एक छोटी सी वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप वायरल टैग फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने करंट टॉपिक के लिए आप अच्छे अच्छे टैग्स निकाल कर आप लगा सकते हैं और अपने वीडियो को एवरग्रीन या फिर सर्चेबल कंटेंट बना सकते हैं, जिससे आपका वीडियो दूसरे के सजेशन में भी जा सकता है अगर आप उसी सेम टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वायरल टैग कैसे निकालेंगे, मैंने पहले बताया कि टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन से नहीं होगा कुछ, क्योंकि वहां पर कई सारे, आप भी जानते हैं कि YouTube पर बिना टैग और डिस्क्रिप्शन से वीडियो वायरल होती है, वो भी सिर्फ थंबनेल से, वो भी सिर्फ थंबनेल से क्लिकबेट करके। तो वो तो मैंने उस कंडीशन में बताई है, लेकिन टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन कब मैटर करता है, जब आप अपने कंटेंट को, अपने वीडियो को आप सर्चेबल बनाना चाहते हैं, एवरग्रीन बनाना चाहते हैं, लाइफ टाइम आप उससे अर्निंग करना चाहते हैं। मैं भी अपने चैनल पर लाइफ टाइम अर्निंग करने वाली वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और उस पर एवरग्रीन कंटेंट है, अच्छा खासा व्यूज आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वायरल आप टैग कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मेरे सामने, मैं एक आपको वेबसाइट बताऊंगा कि जो भी आप वीडियो अपलोड करें उसका जो भी आप टाइटल रखना चाहते हैं कि आपका टॉपिक क्या है वीडियो का, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूं, देखना rapidotag.io, ये आपको सर्च करना है। यहां पर आपको लिखना है रैपिड टैग डालना, ठीक है, ये आपको गूगल पे सर्च करना है रैपिड टैग और सबसे पहले वेबसाइट आ जाएगी rapidtags.io, ये वेबसाइट आ जाएगी। यहां से आपको टैग निकालने, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, आप यहीं से वायरल टैग निकाल सकते हैं जो ट्रेंडिंग टैग होते हैं आपके टॉपिक के हिसाब से। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए यहां पर यूज टूल फॉर फ्री, आप फ्री में यूज कर सकते हैं इस टूल को। कैसे यूज करना है, यहां पर देखिए इंटर योर नेक्स्ट यूट्यूब सर्च। अब जो भी आपका टाइटल है, लाइक मान लीजिए आपका कुकिंग का चैनल है या फिर मोबाइल अनबॉक्सिंग का है, गेमिंग का है, जो भी आपका चैनल है, ब्लॉगिंग का है, जैसे मान लीजिए ब्लॉगिंग में आप ताजमहल पर जाते हैं उसका ब्लॉग बनाते हैं, या फिर किसी मॉल का, फेमस मॉल है उसका ब्लॉग बनाते हैं, जैसे कि यहां पर ताजमहल डाल दिया आपने, ठीक है। अब देखिए ताजमहल आपने डाला, बात समझिएगा, आपने ब्लॉगिंग के लिए बनाया ताजमहल आपने डाला, ठीक है। टाइटल, जैसे टाइटल और भी लग सकते हैं, ताजमहल में ताजमहल डालता हूं सिर्फ, ठीक है। अब देखें क्या लिखते आता है, ताजमहल सबसे पहला टैग आता है, ताजमहल हिस्ट्री ऑफ ताजमहल, ताजमहल सीक्रेट ऑफ ताजमहल और ताजमहल का काला सच, ये भी बात समझना, लोग यहां पर भी सर्च करते हैं, इस पर भी आपका वीडियो रैंक करेगा। ताजा आगमहल, आगरा ताजमहल न्यूज, ताजमहल ब्लैक, ताजमहल ताजमहल फैक्ट, इंडिया ताजमहल, ताजमहल ड्रोन, ताजमहल का सच, ताजमहल हिस्ट्री, देखिए कितने सारे आपको यहां पर, ताजमहल रियलिटी, कितने सारे वायरल टैग आपको मिल रहे हैं। यही टैग आपको अपने छोटे छोटे टैग, बड़े देखो जो ब्लॉग वीडियो होती है वहां पर अगर आप किसी प्लेस में जाते हैं उसका आपको छोटा छोटा टैग लगाना है, बड़ा टैग आपको ब्लॉगिंग के चैनल पे नहीं लगाना है, छोटे छोटे टैग लगाने हैं। जैसे ताजमहल डाला, हो गया, ये आपका ब्लॉगिंग में काम आ गया, सारी चीजें आप डाल दीजिए यहां पर, जो भी आपका टाइटल है, ताजमहल हिस्ट्री, ताजमहल का सच, ताजमहल प्लेस, क्या नाम है, टूरिस्ट प्लेस, ऐसे डाल दीजिए, ताजमहल का सच, काला सच, इस तरीके से हिस्ट्री ऑफ ताजमहल, यह आपका टाइटल होगा, उस हिसाब से आप यहां पर क्या डालेंगे, टैग, वायरल टैग यहां से निकाला जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल अनबॉक्सिंग का है, आप मोबाइल अनबॉक्सिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में
कौन से ज्यादातर जो ट्रेंडिंग में मोबाइल हैं उनकी अनबॉक्सिंग कौन ज्यादा देखेगा, कौन सी वीडियोस पे ज्यादा वायरल होगी, आपकी वीडियो ये मोबाइल अनबॉक्सिंग वाली कोई भी वीडियो हो, तो यहां पर आपको डालना क्या है, मोबाइल, मैं आपको दिखा देता हूं, मोबाइल अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग मैं सभी के बारे में बताऊंगा यहां पर, मोबाइल अनबॉक्सिंग मैंने डाल दिया। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, ASMR अनबॉक्सिंग, ठीक है, अनबॉक्सिंग ASMR, Vivo T1 अनबॉक्सिंग, Samsung अनबॉक्सिंग, मिस्ट्री अनबॉक्सिंग, Moto G82, जितने भी वायरल जितने भी मोबाइल फोन्स हैं उनके, देखिए यहां पर आ रहा ना iPhone से 2022 अनबॉक्सिंग, ऐसे ऐसे ये वायरल टैग हैं जो लोग सर्च करते हैं, ठीक है, बात समझना, तो ये टैग आपको यूज करने हैं यहां से। और मैं आपको दिखा देता हूं, अगर मान लीजिए आपका कुकिंग का चैनल है, कुकिंग का चैनल है, आपने बनाया कि वो तंदूरी कैसे बनाए घर पर, तंदूरी घर पर, जैसे यहां पर डाल दें मैं तंदूरी कैसे बनती है, तंदूरी कैसे बनती है, मैंने ये सर्च कर लिया, बात समझना, मैंने डाल दिया तंदूरी कैसे बनती है, हमने ये बताया कि तंदूरी कैसे बनाए, या फिर तो यहां पर देखना आप यहां पर कैसे, यहां पर आपको वायरल टैग दिखा रहा है कि जो लोग सर्च करेंगे, इन्हीं टैग को आपको यूज करना है वीडियो के टैग में, तंदूरी रोटी कैसे बनती है, तंदूरी रोटी कैसे बनाई जाती है, तंदूरी चाप कैसे बनती है, तंदूरी रोटी कैसे बनाए, हाउ टू मेक तंदूरी रोटी, चिकन रोटी तंदूरी, तंदूरी रोटी रेसिपी, तंदूरी चिकन रेसिपी, तंदूरी रोटी एट होम, नॉन रोटी कैसे बनती, देखिए इससे रिलेटेड कितने ज्यादा आपको टैग वाला टैग मिल रहे हैं, ये टैग आपको लगाने हैं, बात समझ रहे, ये टैग आपको लगाने हैं अपने वीडियो के कहां पर, टैग सेक्शन में, जो भी वीडियो का टॉपिक है, लाइक मान लीजिए यहां पर मैं डालता हूं अभी और भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने अभी लेटेस्ट में कोई चीजें चल रही है, क्या लेटेस्ट न्यूज कोई चल रही है, मान लीजिए आपने बना दिया किसी पे, सॉरी मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए यूट्यूब मोबाइल से पोस्टर कैसे बनाए, मैंने मोबाइल से पोस्टर कैसे बनाए आ गया। अब देखिए यहां पर कितने सारे आपको टैग दिखा देता है, चुनाव पोस्टर कैसे बनाए, बैनर कैसे बनाए, पोस्टर मोबाइल बैनर कैसे बनाए, चुनाव पोस्टर कैसे बनाए, मोबाइल से चुनाव पोस्टर कैसे बनाए, ये सारे दुकान का पोस्टर कैसे बनाए, ये सारे आपको अपने टैग सेक्शन में यूज करना है। ये वेबसाइट देख लीजिए, इसी वेबसाइट से आप एक बार कोशिश करिए, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन, टाइटल जो भी आपका होगा, थोड़ा सा टाइटल आप लेना है आपको, और जो भी टाइटल आप लग रख रहे हैं यहां पर आपको सर्च कर देना है, यहां पर आपको सर्च करना है, जैसे मैंने अभी बना दिया YouTube वीडियो हाउ टू अपलोड YouTube वीडियो, अब देखिए मैंने डाला हाउ टू अपलोड YouTube वीडियो, अब देखिए यहां पर कितने सारे टैग आ गए, हाउ टू अपलोड, इसके बाद ये भी आ गए वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, तो ये सारे टैग मुझको दे रहा है, आपके टाइटल के हिसाब से आपको यहां से सारे टैग्स ले लेने। तो गाइस इसी तरीके से आप जो भी आपका टाइटल है, मैं कह रहा हूं ब्लॉगिंग वाले जो टाइटल आप लोग डालें वो ज्यादा बड़ा ना डालें, छोटे छोटे करके पार्ट में डालें, बात समझ गए, यहां पर छोटे छोटे पार्ट में डालें, जैसे कि यहां पर माई होम टूर आपने डाला, अपने घर का आपने ब्लॉगिंग डाल दिया, अब देखिए माई होम टूर, हाउस, सेलिब्रिटी होम, न्यू होम टूर, इतने सारे छोटे छोटे टैग आ रहे हैं ना, इस पर आपको बड़े टैग नहीं लगाने हैं, आपको छोटे छोटे टैग लगाने हैं, तो ये टैग आपको यूज करने हैं आपको ब्लॉगिंग में, तो ये वेबसाइट है जिससे आप फ्री में टैग्स फाइंड आउट कर सकते हैं वायरल टैग। अब अगर आप बात करते हैं YouTube की, YouTube पर भी आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, अगर आप जैसे कोई भी आप सर्च करते हैं कि कैसे थंबनेल कैसे बनाए, मैं अपने ही चैनल का ले लेता हूं, थंबनेल कैसे बनाए, आप ये सर्च करेंगे तो यहां पर देखिएगा कहां पर, सॉरी इसके बाद क्या करना, जैसे मान लीजिए मोबाइल हैंग होने से कैसे बचाए, जैसे मैंने यह डाल दिया, अब देखिए कितना ज्यादा इसमें क्या किया, मैंने डाला मोबाइल हैंग होने से कैसे बचाएं, अब बात समझने, यहां पर लोग क्या करते हैं कि सैमसंग मोबाइल हैंग होने से कैसे बचाएं, वीवो, रियलमी, इनफिक्स, ओप्पो, आईटेल, क्या है, टेक्नो, रियलमी, जितने फोन को हैंग होने से कैसे बचाएं, तो आपको क्या करना है कि मोबाइल हैंग होने से कैसे बचाएं, ये आपको टाइटल रखना है, और साइड में आपको कॉमा करके जैसे ये है टाइटल, मैं आपको बता रहा हूं कैसे, एक कॉमा करके आपको vivo आपको लिख देना, vivo, इसके बाद आपको कॉमा करना है samsung
सैमसंग, ये सभी मोबाइल के नाम लिख देना अपने टाइटल में। क्या होगा कि जब भी कोई सर्च करेगा, चाहे वीवो सर्च करे, चाहे रियलमी सर्च करे, चाहे ओप्पो सर्च करे, आपका वीडियो सबसे टॉप में आएगा और आपका वीडियो यूट्यूब रिकमेंड करेगा। तो यही एक वेबसाइट है जिससे मैं आपको बताने वाला था कि किस तरीके से आप वायरल टैग निकाल सकते हो और कैसे आपको प्रॉपर तरीके से अपने वीडियो को सजेशन में या फिर आपको क्या करना है, सर्चेबल में ला सकते हैं, एवरग्रीन बना सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी अगर आप सजेशन में लाना चाहते किसी वीडियो को, तो आपको अपनी वीडियो को लेंथ को थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। आपको किसी वीडियो, जैसे कोई भी टॉपिक ऑलरेडी है यूट्यूब पर, उसको आपको टारगेट करना पड़ेगा। मैंने कई बार बताया आपको उसको टारगेट करना है, टारगेट करेंगे, थंबनेल अच्छा करना पड़ेगा, उससे बेटर आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज आएगा। और ये चीजें मैंने किया अपने चैनल पे, धीरे धीरे हर एक कैटेगरी पे कर सकते हैं आप। मैं पहले दूसरे कैटेगरी में था, उस पर भी मैं यही सारी चीजें फॉलो करता था, ऐसे ही काम करता था और लाइफ टाइम अर्निंग करता था, उससे यूट्यूब सर्च से ट्रैफिक आता था और अच्छी खासी कमाई होती थी। ब्लॉगिंग में एक ही ऑप्शन है आपका कि भाई साहब पहले फेस वैल्यू बनाइए, कैसे भी करके फेस वैल्यू बनाएं, या फिर ऐसे प्लेस पे जाइए जहां पर लोग जाना ज्यादा पसंद करते हैं, विजिट करना पसंद करते हैं। इस टाइम क्या कहते हैं कि केदारनाथ लाख लोग ज्यादा जानते हैं, उत्तराखंड लोग ज्यादा जाएंगे, तो वहां पर कितना खर्चा आता है, पूरा आपको टूर देना पड़ेगा, पूरी आपको जानकारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो लोग इस टाइम केदारनाथ यात्रा ज्यादा सर्च करेंगे। इस टाइम की बात, इस टाइम वही वीडियो ज्यादा चलेंगे, अदर वीडियो अभी नहीं चलेंगे। अभी जब शिमला का आ जाएगा जनवरी फरवरी में, तब शिमला भी बहुत चलेगा, तो ये तो टाइम के अकॉर्डिंग आपका चलेगा। तो सर्चेबल काफी लोग बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं। तो ये चीजें थी जो मैं आपको बताने वाला था कि टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन से होता है, लेकिन जब आपकी वीडियो चल जाए, आपका वीडियो सर्च में आ जाए, नहीं आया, आपने सब कुछ करके देख लिया, तब क्या करेंगे, तब कोई ऑप्शन नहीं है भाई। आप कितना भी अच्छा कर लो, कुछ नहीं होने वाला यूट्यूब पर, तब क्या होगा। तब भाई साहब होप टॉक एक उम्मीद है जो मैंने आपके लिए खड़ी की है। अगर आपने सपोर्ट नहीं किया है तो जरूर सपोर्ट करें, और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे वीडियो बना रहे हैं, तो भाई साहब हम आपको मौका जरूर देंगे अपने प्लेटफॉर्म पे आने का, ताकि आपको लोग जाने, आपकी क्वालिटी को जाने, आपके प्रोडक्ट को जाने, आपके वीडियो को जाने कि आप किस में ज्यादा एक्सपर्ट हैं, आपकी क्या पहुंच है, कैसे आप आगे लोगों को सिखा सकते हैं। ये चीजें हम लोगों के सामने लाएंगे, अगर लोगों को पसंद आएगा तो आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, आपको सब्सक्राइब करेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा, और उसके बाद आपकी मेहनत होगी अगर आप अपने चैनल को ग्रो करा ले जाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलता हूं एक और कमाल की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलता हूं एक और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।